सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 11 के थिएटर राउंड में मणिपुर के जॉन ओइनम ने 27 अक्टूबर को प्रसारित छठे एपिसोड में धमाल मचा दिया। यह एपिसोड दिवाली स्पेशल था। जॉन ने अफगान जलेबी गाने पर शानदार प्रस्तुति दी। उनके परफॉर्मेंस की जजों ने खूब तारीफ की। इस हफ्ते इंडियन आइडल सीजन 11 के टॉप 15 कंटेस्टेंट का भी चयन किया गया। ऑडिशन में जॉन ने अपने परफॉर्मेंस से धमाका ही कर दिया था। जॉन ने अपने परफॉर्मेंस में आंटी जी गाना गाया था। स्वभाव से चुलबुले जॉन ने अपने परफॉर्मेंस में समा ही बांध दिया था। परफॉर्मेंस के दौरान सभी जज झूमते नजर आए थे। वहीं नेहा कक्कर सिंगिंग के दौरान हुटिंग करती हुई वह गाती नजर आई थी। परफॉर्मेंस के बाद सभी जजों ने जॉन को स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया था। इसके बाद तीनों जज स्टेज पर पहुंच गए थे और जॉन के साथ इस गाने की चंद लाइनें गाई। इसके साथ ही जजों ने उन्हें सिलेक्ट भी कर लिया था। गौर हो कि जॉन ओइनम मणिपुर में काफ़ी फेमस हैं। इंडियन आइडल से पहले हुए 2016 में कलर्स इन्फिनिटी पर प्रसारित हुए द स्टेज सीजन 2 के भी हिस्सा थे। इस शो में जज के तौर पर विशाल दद्दानी थे। YouTube पर जॉन के वीडियोस भरे पड़े हैं। जॉन एक सिंगर के साथ साथ सॉन्ग राइटर और स्टेज परफॉर्मर हैं। YouTube पर इनके वीडियोस के व्यूज लाखों में हैं। वे मणिपुरी, हिंदी और अंग्रेजी गाने गाते हैं। बता दें कि इंडियन आइडल सीजन 11 12 अक्टूबर 2019 से शुरू हुआ है। यह शो का छठा एपिसोड था। इस बार शो में जज के तौर पर म्यूजिक जगत के अनु मलिक, विशाल ददलानी और नेहा कक्कर नजर आ रहे हैं। वहीं शो को आदित्य नारायण होस्ट कर रहे हैं। इस बार का भी इंडियन आइडल बहुत खास होने वाला है। शो में देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिभागियों को चुना गया है। गौर हो कि इंडियन आइडल के लगभग हर सीजन में नॉर्थ ईस्ट के प्रतिभागियों का बोलबाला रहा है। सीजन 10 में त्रिपुरा के रहने वाले कृष्णकली साहा ने टॉप 14 में जगह बनाई थी। सीजन 3 में शिलोंग के रहने वाले अमित पॉल पहले रनर अप रहे थे। वहीं सीजन 4 में त्रिपुरा के रहने वाली सौरवी देव बर्मन विनर रही थी। वे इंडियन आइडल को जीतने वाली पहली महिला प्रतिभागी थी। वहीं इंडियन आइडल जूनियर सीजन 1 में असम के दो प्रतिभागी सिलेक्ट हुए थे, जिसमें असम के प्रियम और ईमान चौधरी चुने गए थे। वहीं इंडियन आइडल जूनियर सीजन 2 की बात करें, इस सीजन में असम की नाहिद अफरीन फर्स्ट रनरअप रही थी। सीजन 9 में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के एक प्रतिभागी जेली काय टॉप 14 में शामिल हुए थे।